सरकार शिक्षा पर हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। कई स्थानों पर भवन जर्जर होने के कारण छात्रों को दूसरे विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। सूबे के कई ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं से दूर रखा जाता है। कहीं बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर छुपाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छत नहीं है। कुछ ऐसा ही नज़ारा भोजपुर जिले के सहार प्रखंड में देखने को मिला, जहां बच्चों के बैठने के लिए जमीन तो है पर सर छुपाने के लिए मजबूत छत नहीं है। बच्चों के सिर पर हमेशा काल मंडराता रहता है, लेकिन देश के भविष्य काल से सामना कर पढ़ने को मजबूर है। आखिर कर भी क्या सकते हैं, इस जर्जर भवनों की स्थिति बद से बदतर है। हमेशा दुर्घटना का भय सताता रहता है। इस विद्यालय में 441 छात्र छात्राएं हैं, जिसके लिए 10 कमरे हैं। इनमें से 7 कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जो हमेशा बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। सिर्फ 3 कमरे में छात्र छात्राओं का पठन पाठन का कार्य होता है। ये है भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के मध्य विहार, जो आदर्श विद्यालय के नाम से भी नवाजा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय में आदर्श नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई देती। अब जरा इस भवन को देखिए, यह भवन वर्तमान समय के बना हुआ नहीं है, बल्कि वर्षों का बना हुआ है, जो पूरी तरह खपरेल है। अब जरा इस भवन के अंदर की हकीकत भी देखिए। इस भवन के छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, दीवारों पर दरार पड़ चुके हैं। हमेशा छात्र छात्राओं के सिर पर मिट्टी व खपड़े टूट के गिरने रहते हैं। बारिश के दिनों में पानी टपकता है, जिसके कारण बच्चों का किताब कॉपी भीग जाता है, जिससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी डर के साए में जीते हैं। बरसात के दिन में सर छप्पर फंसते हैं सर, सब बिल बिल छेद छेद है सर, पानी टपकता है सर, सब चाँच भींग जाता है सर। इसीलिए सर बच्चों को बैठने में परेशानी होती है, और ये छप्पर का है सर कभी भी टूट सकता है। यस सर, कभी भी गिर सकता है सर। अच्छा, और क्या परेशानी है आपको? यही सर, और पढ़ने में दिक्कत होता है सर, सब भींग जाता है, इसीलिए बहुत बच्चा सर चल भी जाता है सर। अच्छा, और क्या दिक्कत है आपको? कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मफूज आलम। दिक्कतें हैं यहाँ सर? परेशानी तो आप ही देख रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ। यहाँ 9 सेक्शन हुआ करती थी, और 6-8 है यहाँ, 3-3 सेक्शन चला करता था, लेकिन अब सबको सबमिट करके एक सेक्शन चल रहा है। और जो 3 विषय की पढ़ाई हो पाती थी, वह एक विषय पढ़ाई हो पाती है, इसलिए कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। 3 सेक्शन में 180 बच्चे हैं, और 180 बच्चे एक रूम में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम तो बहुत। क्यों आखिर, ऐसा क्या कारण? सर कारण तो बहुत है सर, ये आज ऐसा इस रिसेंट टाइम में तो कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है जो
जो मिट्टी का हो, और हम लोग सब अधिकारी DO CO साहब सबसे हम लोग DO साहब भी आकर यहाँ निरीक्षण किए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। अच्छा, और कब से यह सब बना हुआ है, यह जर्जर स्थिति जो है? दो साल से बना हुआ है। परसल हम लोग दो शिफ्ट में स्कूल चलाए थे। कभी कोई घटना दुर्घटना हुआ हो इस तरह? घटना तो कभी हम ही लोग पर गिर जाता है, हम लोग तो बच्चों को उधर रखते हैं, हम लोग तो हमेशा ऑफिस, आप देख रहे हैं सर, ऑफिस के ऑफिस के सामने है। बहुत परेशानी है बच्चे को, तो इतना पढ़ाने में दिक्कत होता है कि बच्चे की कॉपी किताब बचाना मुश्किल होता है, कि बच्चे को बचाएं या बच्चे के बुक बचाएं या कॉपी बचाएं, किसको बचाएं, बच्चे को बचाएं या वो सबकी किताब कॉपी बचाएं। और हम लोग को भी तो परेशानी होता है बैठने में, जहाँ बैठिए कुर्सी पर चू रहा है, भद भद ऊपर से गिर रहा है, मिट्टी गिर रहा है, खपड़ा गिर रहा है, लकड़ी गिर रहा है, लगता है कि हम ही लोग पर गिरेगा या बच्चे लोग पर गिरेगा, किसकी जान, हर बच्चे को खतरा है, हम साथ साथ में हम लोग को भी खतरा है। फिर आना तो जरूरी है, पर सरकार इस पर ध्यान दे कहाँ रही है? हर लोग आते हैं और देख करके और फोटो खींच करके चले जाते हैं, पर स्कूल बनने का कोई ये नहीं है कि कब बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बारे में कोई अधिकारियों से अपने लोगों ने बात किया था? जी, बहुत सारे अधिकारी आए और देखते हैं और लोग चले जाते हैं, पर कोई इस पर निर्णय नहीं लेते हैं लोग कि बनेगा या नहीं बनेगा। कब से ये सब परेशानी बनी हुई है? सालों से, दो साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, और बच्चे को परेशानी होती रही है, और साथ साथ में हम लोग भी परेशान होते हैं, आते हैं, गिरते हैं, सोचते हैं कहाँ बैठे, यहाँ घसकाएं, यहाँ बैठे, यहाँ बच्चों को बुलाएं, कभी वहाँ बुलाएं, देखते हैं कहाँ चू रहा है, कहीं नहीं चू रहा है, पर तो हर जगह चू ही रहा है, हर जगह मिट्टी गिर ही रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो बन नहीं रहा है, अब तो अधिकारियों लोग भी अभी केवल देख के चले गए, अधिकारी आए लोग और देख देख करके चले गए। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या हम लोग, सरकार अब इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। देखिए सरकार सोचती है, क्या करती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बहुत परेशान हो गया अधिकारी लोग से बोलते हुए, कहते हुए सब लोग। क्या नाम आपका? संजीदा। अब दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। स्कूल के भवन के सामने चबूतरे पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं ये बच्चे, किस तरह भेड़ बकरी की तरह बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन स्कूल के शिक्षक अपना काम का निर्वहन बखूबी निभा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह की कमी है। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरह बैठकर किस तरह का शिक्षा ग्रहण करते होंगे स्कूल के छात्र। बिल्डिंग काफी जर्जर है, इसके कारण विद्यालय के बच्चे प्राथमिक विद्यालय भवन से बाहर खुले में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूलों के भवन काफी जर्जर हो गए हैं, इसके चलते शिक्षकों और बच्चों को हमेशा दुर्घटना होने का भय सताता है। स्कूल की छत टूट टूट कर गिरने लगी है, कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिस कारण बच्चे डर के साए में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्यों? भवन मैंने खप्पड़ पोस है और जर्जर स्थिति में है ना, बारिश में कुछ ना कुछ गिरते रहता है, जिसके वजह से हम बाहर निकाल करके दरी पर अपना व्यवस्था करके शिक्षा मतलब दिया जाता है, लोग बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो क्या ये अक्सर पढ़ाया जाता है, कभी कभी पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, बच्चा दुर्घटना ग्रस्त ना हो जाए इसलिए बाहर व्यवस्था किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था है? नहीं, बराबर व्यवस्था मतलब किया गया है हमेशा हमेशा के लिए। और इतने में बच्चे कम हैं और लोग बच्चे कहाँ गए हैं? बारिश होने की वजह से कुछ लड़के घर चले गए। अच्छा, और मतलब जो भी बच्चे हैं बाकी उनको पढ़ा रहे हैं? मैंने भवन नहीं होने के कारण, जर्जर स्थिति में होने के कारण बच्चे इधर उधर मैंने कहीं चले। अचानक बारिश आ जाए तो फिर क्या करेंगे उस वक्त? यहाँ मैंने तीन रूम पक्के का है, जिसमें मतलब उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है बच्चे का। अच्छा। जिसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है तो किसी तरह तीन रूम में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं।
इसके बारे में कहीं आप लोगों ने आवेदन वगैरह दिया था? इसे तो सब पदाधिकारी आए, बात किए, दो बार भवन के पहले भी पैसा आ जाए थे, रिटर्न हो गया है। पहले जो आए थे हेड सर, दो दो बार पैसा भवन बनाने के लिए आया था, लेकिन वो पैसा रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न नहीं बना पाए? क्यों? क्योंकि वृक्ष है, ये सब पर्यावरण विभाग से उनको मैंने आदेश इसी लेते लेते मतलब साल गुजर गए। अब इसके चलते सीमेंट ये सब का भाव दुगना हो जाने के कारण वो नहीं बना पाए। कब से परेशानी है? ये सब परेशानी तो मतलब पहले के जो हेडमास्टर थे वो मैंने अपना थी मैंने करके इसको बना बना के कसूँ अपन 10 साल मतलब है ना। क्या नाम है अपना? हमारा सुनील कुमार।